मोहसिन भाई बहुत प्यारे आदमी है, इन जैसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, पूरे जहान में, अल्लाह बनाए रखे इनको। मारी माही हाँ। दीदी को बलून फेंक के मारी पानी का फूटा नीचे फूटा हाँ। क्या दीदी भी फूटा okay. इसमें भी है, इसमें भी बलून पानी वाला तुम्हारे पे फूटा बलून हाँ, थोड़े से फूटा। चलो नाश्ता किए तुम लोग हाँ। चलो मैं नाश्ता करता हूँ। अभी डाइट बंद है एक हफ्ते से, आज लास्ट दिन है, फिर तो उसके बाद डाइट शुरू हो जाएगी कल से। एक आज वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। चलो देखते नाश्ते में क्या है। इडली आ रहेगा भाई, बोर्ड रूम में नहीं आ रहे आज तो। दोपहर के 12 बज गए, बोर्ड रूम में जाते जाते खुला है तो लॉक। पूछना पड़ेगा लक्की आके गया है क्या, लगता है तो है आके गया है। लक्की नहीं आया था, माही और आमना ने खोला था गोट रूम लव बर्ड्स को फीड और पानी रखने के लिए। चलो मैं अभी रख देता हूँ उनको, देखो क्या मस्त आराम कर रहा है, अच्छा लग रहा है। सुल्तान की पेटी वेटी ऐसी पूरी लटक गई है पहले जैसी, जैसे जब लेके आए थे उसको वैसा हो गया, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। इनको खाने देते हैं इनका तुअर भूसा और हम लोग दूसरे काम करते हैं। वो बॉक्स खोलते हैं, उसके अंदर मैं 4 आइटम मंगाया था, वो चारों आइटम आए क्या नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा, अगर नहीं आए हैं तो फिर उससे बात करनी है। तो ये है अपना मेन चीज जो अपन ने मंगाया था, बाकी का सामान इसके अंदर। चलो निकलूं, 1 2 3 कौन बोल रहा है? 1 2 3 अपना आ गया LS2 का टॉप बॉक्स खलीफा के लिए, और बाकी का सामान भी है इसमें, वो देखना पड़ेगा। ओह सब सामान है इसमें, आप कैसा खुलता है ये? तुमको क्या मालूम बताओ? हाँ ठीक है, सब सामान आ गया अपना। एक ये इसके अंदर तक आया, अच्छा ये इधर है इसके अंदर में। एक ये खुल गया, ये जो टॉप बॉक्स के पीछे स्टिकर्स लगे हैं ये क्या है, कुछ गड़बड़ लग रही है इधर है, यही तो ढूंढ रहा था मैं। यही रैक प्लेट के लिए तो इतना खर्चा किया है, रिमूवेबल ऐसे इससे फिट होगी, क्या हम लोग फिट कर पाएंगे? कर पाएंगे? ये स्टिकर इधर लगेगा पीछे यहाँ पे, तो ये विजिबल रहेगा दिखने का पीछे। ये GPS माउंट है, ये मोबाइल माउंट है, मोबाइल बैठता है फास्ट चार्जिंग के साथ। अबू किधर भी जाएंगे तो मोबाइल की बैटरी डाउन नहीं रहेगी, चार्ज रहेगी हमेशा। इसके इसके बटन भी है, वाव। चलो और ये है हैजार्ड सिस्टम, चलो सब सामान इसमें डाल दो। लॉक हो खुल गया, खुल जा सिम सिम ढूंढूं ढूंढूं, और अभी बंद हो जाए सिम सिम, अभी ये कैसे लगाएंगे देखते हैं। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, ज्यादा नहीं? नहीं ज्यादा से कम लग रहा है। 5 बार आने का है। दरअसल अम्मी को है ना बहुत टाइम से शोल्डर में पेन था, तो आज हम लोग फाइनली फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ गए, फर्स्ट सेशन कंप्लीट किए अभी। और कितने सेशन है? 4 सेशन। और वहाँ हमारा जिम, हमारे आपा वाला जिम, और यहाँ पे क्लिनिक। तो
वो बोले मगर 5 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, इसमें ज्यादा नहीं है, इंशाल्लाह हो ही जाएगा। पूरे पूरे रास्ते में तेरे को मालिश करनी पड़ेगी मेरी, चलेगा? सॉरी सर, सॉरी मेरे बड़े भाई है, नॉट इज स्माइल दिया था एकदम, अभी आज मैं जा रहा था आगे, अम्मी को मैंने छोड़ा एक जगह पे, यहाँ पहा था मैं आया, दुकान बंद है, पूरा ऊना का जो दुकानें हैं सब बंद है। अब्दुल्ला मेरे को बोलता है भाई मेरे को आगरा लेके चलो, मैं बोला चल खलीफा पे जाते हैं, मगर पर रास्ते में मालिश मसाज करनी पड़ेगी। सॉरी सॉरी मेरा नॉट इज स्माइल दिया, नॉट इज स्माइल दिया, मैंने कहा मैं आपके साथ 4 व्हीलर में जा सकता हूं, 2 व्हीलर में नहीं चलूंगा भाई। क्यों 2 व्हीलर में क्यों नहीं? नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं खुद वीडियो में बोलना चाहता हूं इस बात को, जैसे मेरे वसीम भाई कलीम भाई हैं ऐसे ही आप हैं मेरे। अरे है बराबर, तो मालिश तो तुम उनकी भी करते हो। नहीं नहीं नहीं, बड़े भाई हो है कि नहीं? नहीं नहीं, तू मतलब तेरा मोहब्बत मेरे लिए कलीम भाई की मालिश कैसे करते हैं? तू तो कलीम भाई उड़ी भी मार देता है। अरे किसी के बस की बात नहीं है 2 व्हीलर पे राइड करना, इंशाल्लाह बहुत जल्दी करूंगा मैं, इंशाल्लाह 4 व्हीलर से जाएंगे, टू आएगा ना, 2 व्हीलर नहीं 2 व्हीलर नहीं, सॉरी आई एम वेरी वेरी सॉरी, कोई बात नहीं, में खड़ा है, लॉकडाउन है और मोहसिन भाई हमारे पास आए, अल्लाह इनकी कामयाबी को दुरुस्त करे, इनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए, मोहसिन भाई बहुत प्यारे आदमी है, इन जैसा आदमी कहीं नहीं मिलेगा पूरे वर्ल्ड में पूरे जहान में, अल्लाह बनाए रखे इनको। बस बहुत बहुत शुक्रिया, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वालेकुम अस्सलाम। खाली आ तो जाएंगे, खाली आ तो सभी को जाना, तुमको ना अकेले हो, तुम अकेला बोल रहा ना, नहीं जो भी आया सबको जाना है, फिर वीडियो अपलोड हो गया, कौन सी बात है, क्या सऊदी अरब क्या क्या ये चिंटू भाई और इनका नाम है चिंटू, ये हक मुइन या मुइन, ओ मेरा ख्वाजा बादशाह हक मुइन, ओके ओके समुंदर नहीं है, मराठी में बोलकर हेलो मला साई बात सांगा सांगा तुम्ही मित्र माझ्याकडे घेऊन टाका तुला कैंप में बारिश की वजह से रुकना पड़ा, इतनी बारिश थी तो आएंगे कैसे, भीग जाएंगे आते आते, और यहाँ पे रास्ते में देखे तो एक बूंद बारिश नहीं, धूप निकली हुई इतनी कड़क। चलो बहुत लेट हो गया, 3:15 होने आ गए, काम बचा है वो भी करना है। तो किधर है? हाँ हेलो, हमारे घर के सबसे बड़े बच्चे के लिए और ये माही आमना के लिए, इतनी बारिश वहाँ पे, क्या बोलूँ यहाँ पे, अभी मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे बारिश हो रही थी तो यकीन ही नहीं आ रहा इनको, इतनी बारिश थी वहाँ पर, कल के ब्लॉग में तो देख ही लेंगे आप लोग क्या कर रहे। चलो फिर डालने आ रहे क्या? फर्स्ट राउंड तो मैंने डाल दिया था, कुछ काम कर रहा था, फर्स्ट राउंड डाल के गया था मैं, अभी सेकेंड राउंड डाल देते हैं, माशाल्लाह फिनिश वेरी गुड। माई इधर देखो, नहीं देखेंगे, बात नहीं करूंगा। अभी इतने दिन स्कूल को छुट्टी हुई है तो एक साथ सारा होमवर्क करने के लिए टाइम तो लगेगा ही ना, 2 दिन से माही होमवर्क ही करे जा रही है, माही परेशान हो गई है। माही परेशान हो गए तुम? माही इधर देखो ना, परेशान हो गए तुम? करना तो पड़ेगा, तुम्हारा कितना रह गया? वेरी गुड, बेचारी माही को तो बहुत है यार, देखो तो यार कितना होमवर्क कर रहे, फीलिंग सैड फॉर यू मायरी। ये देखो क्या कॉमेडी हो गई अभी, ये माही का 45 देखो, 5 जो कैसा लिखा है, क्यों लिखा है माही बताएगी, क्या हो गया माही अभी बताओ, बॉम्ब फूटा तो घबरा गए तुम, बॉम्ब फूटा घबरा के हाथ हिल गए। आज सब जगह फटाके ढोल बज रहे, तो अभी फटाका बजा यहाँ पर तो माही डर कर उसका हैंडराइटिंग ही पेंसिल ही स्लिप हो गई, तो 5 का खुलिया ही बदल दिया। वाह माही माँ, तुम तो बॉम्ब से डर गए माही। जैसा खोला था वैसा ही पड़ा है अभी तक, देखो
काम ही इतने होते हैं कि ये कर ही नहीं पाया मैं। अभी इसको कल ही करेंगे क्योंकि आज मार्केट भी बंद था, इसके अंदर दो तीन चीज़ें लगानी है, उसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा। एक साथ ही हो जाएगा सब, कल एक साथ ही कर देंगे। अभी जाते हैं गोट रूम में, मैं फीड डाल दिया था, सेकेंड राउंड भी डाल के आ गया था। अभी देखते हैं क्या हाल चल रहा है। 7:30 बज रहे शाम। कैसा था सैंडविच? अच्छा। मजा आ गई? पढ़ाई करो, इतने देर से पढ़ाई कर रहे, मैं सोचा थोड़ा सा सैंडविच लेके आगे देते, थोड़ा इनका माइंड फ्रेश हो जाएगा। क्लियर क्लियर बचा है थोड़ा सा। पूना में ना ठंडी बढ़ गई है, ठंडी लगने लगी, अभी शाम हो गई, देखो ठंडी लगी, महसूस हो रही है ठंडी के। हाँ, ठंड का महीना आ जाएगा अगले महीने से, अक्टूबर, धीरे धीरे ठंड के महीनों में पहुंच जाएंगे हम लोग। और फिर बकरे अपनी तैयारी एक अलग ही दिखाते हैं, सर्दी में सबसे अच्छा दिखाता है बकरा अपनी तैयारी। चलो इनको थोड़ा फिनिश करने देते हैं इनका फीड, और हम लोग आते हैं वाइंड अप के वक्त। वो जो सेकेंड राउंड के बाद मैं घर में आया हूँ, सो गया हूँ, तो अभी उठा हूँ, वोट रूम को लॉक वगैरह सब लकी ने कर दिया होगा, भूख लगी तो उड़ी है। चलो अभी मैं फटाफट खाना खाता हूँ, अलविदा लेता हूँ आप लोगों से। सोचा था कि और क्या हो गया, इसीलिए इंसान बहुत कुछ सोचता है मगर होता वही है जो अल्लाह को मंजूर है। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना। टिल देन स्टे सेफ, पीस, हास्ता ला विस्ता। 12 बजने आ गए यार।